कछु पाया ढूंढते ढूंढते खोजी दल बैराट नगर में ही आया। आज मेरे नौजवानों वो खोजी दल दुर्योधन का बैराट नगर में ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और उन्होंने बैराट नगर में आकर के क्या सुना। एक जिक्र सुना वहां कानों से कीचक तो मारा गया यहां आए है। अपमान नार के बदले में उसको संगारा गया यहां। आकर के कहा यो भीम बिना कोई कीचक मार नहीं सकता। ऐसे भलदारी योद्धा को कोई संगार देख नहीं सकता। आज बंदो जब कीचक के बारे में उन्होंने जिक्र सुना कि भैया कीचक को हाय नारी के चक्कर में उसे दरवाजे से मार के लगा दिया था, उसके पांच यानी 105 भाई और थे उनको भी भैया खत्म कर दिया, तो खोजी दल आपस में बातचीत करने लगे, भैया ऐसा बलशाली कौन है जो कीचक को मार सकता है। एक कहने लगा, भैया सिवाय भीम की और का बल ना है। चलो पता चल गया वो न हो यही हो सकते पांडव, अपने महाराज दुर्योधन को जाके बताएंगे। जब दुर्योधन को बताया बंधु तो क्या हुआ, हाय हाय सुन करके उनको ये पता और बैराटपुरी को भैया चारों तरफ से किस प्रकार से घिरवाया। बैराट नगर को जाए रे अब घेर ले मेरे भैया। बंधु आज कमल नैन की गौआ इधर में हाय हाय नकुल चरा रहे थे, यानी सहदेव चरा रहे थे, तो इधर में अश्वत्थामा अपनी सेना को लेके आगे पहुंचा तो क्या किया उसने, महाराज गौधन सारो लियो छिनाई। अवताम ग्रंथ ने जाए भूप को हाल दयो बतलाए। आज बंधु जो सहदेव से उन गैयों को हाय अश्वधामा ने जब छुड़ा लिया है तो इधर में क्या हुआ भैया, जब वो जाकर के सहदेव अपने कमल ने महाराज को बताते, महाराज गजब हो गया दुर्योधन की सेना है उन्होंने आकर के तुम्हारी गैयों को छीन लिया मुझसे और भगा दिया मुझे, तो क्या हुआ भैया। अरे रथ चारिन रप मंगवाए अरे रथ चारिन रप मंगवाए और गंधर्वों को हाय बटवाए। अब तो बंधु कमल नैन भी हाय गैयों को छुड़ाने के लिए यानी लड़ने की तैयारी करते हैं, उन्होंने चार रथ मंगवा लिए तुरंत। और कमल नैन सोचने लगे जे हमारे यहां रहते हैं आज इनकी मालूम पड़ जाएगी ये कैसे हैं। बोले भैया ए भैया मोटे हाय हाय भीमसेन धर का छुला पीठ पे चले आए रे। क्या बात है महाराज। अरे बात क्या, तुमने खाना बना लिया। हाँ खाना बना के हमने चूर। एक काम करो जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों, अब तो लड़ाई का समय आ गया। भीम बोले हम का जाने लड़ाई में, हम तो सब्जी बनाए जानते और रोटी बनाए। नहीं नहीं आज तुम्हें काम करना होगा।
अरे कंचन के सुवन पहनाए, अरे कंचन के वस्त्र पहनाए, नपने ऐसे वचन सुनाए। अरे भैया तुम तो अब मुए, तुम चाहे छुपा चाहे कछु करो, अरे मुए तो तुम कोई वीरवान लग रहे हो। बात को दबा गए, बोले महाराज ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो चलो हम लड़ने के लिए तैयार। चलिए इधर मेरे नौजवानों, क्या हुआ? यदि भूमि में है रही बाणों की बुछार, और पकड़ लिए विराट नृप वीर सुशर्मा यार। आज विराट को यानी कमल नयन को पकड़ लेते सुशर्मा जी और उनको अपना बंदी बना लिया। इधर में धर्मराज एक रथ पे विराजमान है, ये देख रहे अपने दृश्य। तो क्या सोचा मन में, बोले भैया भीम हाँ इधर आओ। अब कंक नाम धर्म राई कहे सुने भाई भीम इतयाओ, अरे राजा को खाओ नमक रेखा राजा चुकवाओ। और क्या भैया, हम चारों पांडव कुमार न हटे पिछार का लल खुलाओ, जिसकी ये सरण रह रे वो से तो छुड़ावाओ। अरे भैया जिसका अन्न पानी खाया हमने और उसकी शरण में रहे उसे जल्दी छुड़वा। आहा सहदेव से पूछो भैया कछु पतो है तुम्हें, कहूं कोरे ना खुन जाए। बोले महाराज जो होगी सो देखी जाएगी, पहले जा काम करो। क्या हुआ भैया? अब कंकर आए को पाए सारो बलम वीर परो दिया रात, यश पति और अध्ययन जो पति ने तीनी मारा मारो मचाई। अब मन में सोचे चारो भैया भेद नहीं अपनो खुले जाए, जो कछु दुर्योधन सुन पावे देगो फिर वनवास बढ़ाई। और भैया अब रो समय आए के धर्म राजन अब दीसन सारे ऐसी हमारे, हाय कट कट रोंड गिरे धरती पर छत्री मारे पांच हजार। इधर जब सहदेव ने भी धर्मराज की तरफ इशारा कर दिया, बोले चार दिन ज्यादा है गए चार दिन। धर्मराज भैया अब तो खिबरे बैठे, भीम ने देखा जब धर्मराज ऐसा करे तो हम कौन सो पीछे देखे। क्या हुआ भैया? अरे ये तेरा भीम ने गुस्सा खा के रण में कीनिया मारा मार, दस हजार छत्री देखो भीम ने घाटे मौत के दिए उतार। इन्होंने विराट भूपक को भैया अपने बल से लाओ को छुड़ाई। हाँ तो मेरे परिषदनों, इधर में जब कमल नैन को उन्होंने युद्ध करके छुड़वा लिया तो इधर में कौरवों की सेना बहुत थी, बड़े व्याकुल हैं इधर में। और भैया
दुर्योधन की तीन सेनाएं थी, एक तो गोधन को घेरे खड़ी थी और एक सामने मोर्चे पड़ी है, और तीसरी सेना ने क्या किया कि बैराट नगर को घेर लिया। इधर में जब कमनैन के पुत्र उत्तर थे, उनको जब पता चलता है कि हमारा नगर सब घिर चुका है और पिताजी बंधन में हैं, तो बड़े व्याकुल हैं, और घर पर सिर्फ महल में तीन ही प्राणी थे। तो क्या हुआ भैया? अरे अब उत्तर मन घबरायो, भगवान अब मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? हाथ बैरी न देखो दायो, मर रोने लगा है बंधु। तो सुजानी नाम जो द्रौपदी थी सामने आ जाती हैं, बोले लाला क्या बात है, क्यों व्याकुल हो? आज कहने लगे है सुजानी, अब क्या होगा, बैराट नगर पूरा घिर चुका है। बोले तुम चिंता मत करो, एक काम कर लोगे मेरे कहने से? बोले बताओ। अब सुने उत्तर कौर धन, द्रौपदी महलन से आई, उतर लियो बिलाई पूरी वो ऐसे समझ आई, कहने लगी आज उत्तर से एक बात हमारी मानो। बोले हाँ कौन सी? अरे बात क्या मेरी तुम मानो, अब नृत्य कला जो करे उसे तुम यरज न सम मानो, आज द्रौपदी कहने लगी जो तुम्हारे यहां नृत्य सिखाते हैं तुम्हारी बहन को, उन्हें अर्जुन के समान समझो। एकदम से बड़े जोर से उत्तर को हंसी आई, क्या कहा? अरे उसको वो अर्जुन के समान है? अरे भाई जड़ाए काय को अर्जुन के नाम से लजा रही हो? नहीं नहीं मैं इस बात सही कह रही हूं, एक काम कर लो। अरे सारथी ब्रहंडल बन जावे और फतेह ये तुम्हें होई जीता है के उत्तर तो लावे, आज इस प्रकार से जो उन्होंने कहा बंधु, तो द्रौपदी की बात मान करके उत्तर कुमार धीरे धीरे और पहुंच जाता है अर्जुन के पास और कहने लगा ये सुन रहे हो? बोले क्या बात है? मुझे सब भेद तुम्हारा सुजानी ने दिया है, तुम बहुत लड़ने में माहिर हो, तुम मेरे साथ चलो युद्ध के लिए। क्या हुआ भैया? अरे करो ब्रह्मंड ला काज सारथी, आज मेरे बन जाओ, मैं शरण कहूं दे प्यार फतेह करवाओ,
मेरे स्वार्थी बन जा और तुम घोड़ा को हाके चलोगे और मैं युद्ध करूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो, घोड़ा को आगे बढ़ाते चले जाना रथ को। अर्जुन मन ही मन मुस्कराए रे, बोले तुम युद्ध के लिए जाओगे? बोले हाँ। अब पारथ बोले बेन कहाँ ये सेन मोई बतलावो, नहीं रण की जानू सार क्यों शरमावो। आज उन्होंने लड़ने का जिक्र किया अर्जुन से, तो एकदम से अर्जुन कहने लगे, अरे लल्लू, ओ लल्लू उत्तर, भैया मैं कहा जानू जो लड़ाई फड़ाई कहते कहते। आहा, बोले नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे सारथी बन के रहो। अब यो कहे उत्तरा कुआरी बंधुओ, कमनैन की जो लड़की थी उत्तरा, जैसे नृत्य सिखाया करते थे अर्जुन, अपने भाई की बात सुनकर के अर्जुन से कहने लगी, सुनो। अब यो कहे उत्तरा कुआरी, मोकुला गया पुबल धारी, भैया की ख्वारी। जाओ ना मेरे भैया के संग चले जाओ। अरे नहीं होए भैया की ये ख्वारी, अवले रथ को बाग संवारी, हाँ। आज मेरे नौजवानों, जब उत्तरा ने उन्हें समझाया तो अर्जुन कहने लगे, चलो खैर कोई बात नहीं है, तुम कहती हो तो हम सारथी बन के तुम्हारे भाई के जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई को मौका पड़ेगा तो हम अनाय कछु जानते। बोले तुम चले तो जाओ भैया मेरे। आज उत्तर बड़े बड़े बल की मारे, बोले तुम चिंता ही मत करो कोई बात की, तुम रथ को आगे हाँकते जाना, हाँ जो कुछ होगा सो हम देखते जाएंगे। मन ही मन अर्जुन हंस रहे, बोले चलो भैया। उत्तर राजकुमारो कंचन तन धार तेग धनुधारी, जिय बहुत खुशी मन भायो रे भुजा तो फटकारे। उत्तर कपड़ा पहनते जा रहा है लड़ने के बहाने को, कबो भैया पाए फड़कावत हो, कभी भुजा फड़कावत हो। अर्जुन देख रहा हो भैया जो बलक ही नहीं मार रहा है, वो तो ऐसा रख रहा हो कि रणा छोड़ के नहीं भजते। क्या हुआ? अब रणा को कंकन हाथ, अरे तिलक दे माथा बनोये धारे बनोये धारे। अब बहनी उतरा ने देखो झटपट आरती थार वो तारे। आज मेरे नौजवानों, उत्तरा हाय हाय, जब उत्तर कुमार यानी लड़ने के लिए जनते हैं तो इधर में अर्जुन राज सारथी बन के रथ पे बैठ जाते हैं। उत्तरा बहन उनका आरती करती है बंधुओं, और क्या किया और आगे क्या हुआ है। अरे सारथी पारथ है रे बलधारी, सारथी पारथ है जी बलधारी, रथ में बैठ के बाग समारी। आहा, द्रौपदी देख रही बंधु, साक्षात वही दर्शन कर रही, कौन से
जब पहले जाया करते थे रात में बैठ के दर्शन करे द्रौपदी प्यारी, दर्शन करे द्रौपदी प्यारी और के सन की बात उच्चारी। जिस समय अर्जुन ने रथ को आगे बढ़ाया द्रौपदी सामने आई और केश को है उछलाते हुए निकल जाती हैं। उनका कहने का मतलब था कि मेरे इन केशों का ध्यान रखना। अर्जुन समझ गए। बंधुआ चले आगे उत्तरा कहने लगी, एक काम करियो, हर कोरमन पे सुवर्ण वस्त्र हैं, वो जो उनके वस्त्रों को छीण के जरूर लाना, मैं बड़े ठहर ठहर के पहनूंगी। ब्रहंडला कहने लगे, तुम चिंता ही मत करो। क्या हुआ भैया? आज दोनों जने आगे पहुंचे रण खेतों में, सेना जब दूर से नजदीक यानी दिखाई लगने लगी है तो क्या हुआ? जिस तरह बनी में शेरे है बबरी देखी हुंकारे, जो कौरव दल की सेना के पास रथ पहुंचा, उत्तर देख रहा कहने लगा, ए भैया ए स्वार्थी, ए भैया रथ को रोको, रथ को रोको। हाय मन ही मन घबराए गए, सेना का कोट खिंचा हुआ है बंधु। उत्तर अपने मन में घबरा गया, बोले भैया स्वार्थी के, हां रथ को पीछे ले चलो। जो इतने शब्द सुने, अर्जुन कहने लगे, क्या कह रहे हो? पीछे? बोले हां। कौरव बेसु मार लिए हथुआर समर में ठारी, ए भैया रथ हाथी घोड़ा तुरत रे देखो वापे चिंगारे, आज कहने लगे उत्तर, भैया सारथी मेरे बस को रोकना है, तुम लौट आए लो। अर्जुन धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाते जा रहे, और क्या हुआ? वीर बलि मारती सुबट में गति भरे संकारे, भरे संकारे सब सेना के सादर आदुरे है सिंह समान दहाड़े, जब आगे पहुंचे क्या हुआ? अरे भीष्म द्रोण और दुर्योधन, अब भीष्म द्रोण और दुर्योधन आयो बलशाली दुशासन, अब अश्वत्थामा धरि कंचन तनको, भैया हिलवा दियो सिंहासन, आज मेरे नौजवानों इधर में तो उत्तर पीछे हटने लगा है, और इधर में यानी भीषम द्रोण दुर्योधन अश्वत्थामा
दुशासन, हाय हाय सबकी निगाह आगे को गई, भैया देखो कौन आ रहा है, तैयार हो जा, इधर क्या हुआ मेरे नौजवानों। घन घोर घटा लक्की सेना की, अरे उत्तर का बदन कांप उठा, और महारथियों से केस समरिए योद्धा तन में कांप उठा। बंधु आज ऐसे ऐसे महारथियों को देख करके उत्तर कांप गया दिल में, बोले भैया सारथी वो मरवाए के छोड़ोगे का। अर्जुन मन ही मन मुस्कराए रहे और देख रहे और क्या हुआ है। कहने लगा तो ब्राह्मण ला से अवरण से रथ को लौटाओ, अर्पण छाया देख मुझको अब महलों में तुम पहुंचाओ, महलों में तुम पहुंचाओ जी, महलों में तुम पहुंचाओ अब कायर पन छाया मुझको महलों में तुम पहुंचाओ। भैया सारथी मैं तो बिल्कुल कायर हूं, तुम मुझे ले चलो, मेरा कुछ नहीं भैया। हाँ हाँ अर्जुन कहने लगे ब्रह्मण ये बोले उत्तर तुम महलों में डींग मारते थे, बैरी से इकला समर करूं क्यों ही वहां बेदहारते थे। पीछे हट रहे हो, वहां जब तैयारी हुई थी लड़ने की तब तो तुम ढीक मारते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब भैया स्वार्थी। अरे कछु है भैया तुम बोले चलो। आहा इधर भैया उत्तर के वचन सुन के क्या हुआ है, बहुत समझाया अर्जुन ने लेकिन उत्तर जब भगने लगा कौरव हसे या पार, अर्जुन बोला मैं भगू तो मोकू है धिक्कार। आज अर्जुन जब उत्तर भगने लगा है पीछे को रथ से उतर के, अर्जुन मन में सोचने लगे यदि ऐसा ही मैं है जाऊं तो मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। क्या हुआ भैया, गणना करके देख ली और ब्रहंडला पंड कुमार, बीत गए तेरे बरसों दिन बढ़ गए हैं चार। अर्जुन ने अपने दिन संभाले कि हमारे पूरे साल पूरे हो गए कि नहीं, तो तेरे साल से चार दिन ज्यादा हो चुके हैं। बंधुओं जब इतना पता चला उन्होंने तो एकदम से पीछे आवाज लगे उत्तर इधर आओ, बोले क्या बात, अरे दरा सुबिया आ गए। आज उत्तर को रथ में बांध दिया है, बोले चलो हमारे साथ हम अकेले युद्ध करेंगे। ओ भैया ही जरा तू का मरे फिर तू दू जैसो है तैसो तू घर को लौट चल, चल मोगो मरवागो तू मरेगो के नहीं। क्या हुआ भैया, अब गुणा के सरा धीर संहारे तीर शंख बजवायो, रण में ये भारी लल कार रे पंड कुमार ये आयो। आज बंधुआ रथ को लेकर के अर्जुन उसी छैपुर के पास पहुंच जाते हैं जहां वो अपने अस्त्र और वस्त्र सब टांग के आए थे। क्या हुआ मेरे नौजवानों,
तो वहां से धनुष को उठाया और टंकोर चलाया है जो घोर हुई। अब भारत सिंह समान लिए ये बाण जिगर हरसायो, मानो हिरनो भैया सिंह रे झपट के आजो धायो। इधर आज बंधु, जब अर्जुन अपने वस्त्र पहन के और धनुष को लेकर के रथ पर सवार होके दांतों में लगाम को दबा लिया और हाथ में धनुष और सामने पहुंचा बंधु जो धनुष की टंकोर हुई थी, तो कौरव दल को मालूम हो गया सिवा अर्जुन को और कोई नहीं, यही है पांडव। क्या हुआ भैया? खार खाए हुए थे बंधु कौन से दिन का, जिस समय द्रौपदी का शीर उगा रह गया था, सामने दुशासन नजर आया और वही केशों का ध्यान आ गया। भैया हुआ क्या? जग फड़क उठे भुजा टंडर के वीर वरे हुंकारो, और क्या किया महाराज बाण का द्रोण चरण दारो, शीश नवाए चरण भीष्म के बाण दयो मारो। आज फौरनी अर्जुन ने बाण से नमस्कार किया द्रोण गुरु को और अपने भीष्म पिता को किया, समझ गए जे नियम अर्जुन के हैं। क्या हुआ भैया? दुर्योधन कहने लगा सुनो गुरुजी बात, अरे कपड़ो पंडो है तुरत देख लिया साक्षात। अब तो यही है, मैंने साक्षात इनको देख लिया कि ये अर्जुन है और इधर में ये जो मोटो सो तीसरों का वो भीम है, क्योंकि कीचक को सिवाय भीम को कोई मार ही नहीं सकता था। बोले बात तो सही है। द्रोण गुरु कहने लगे हे अर्जुन चतुर सुजान, तेरे वर्ष बीते बिना सो नहीं आता मैदान। याद करो अभी तुम्हारे 13 दिन नहीं बीते हैं, तुम मैदान में कैसे कूद आए? आह बंधु आज वो भी कहने लगे क्या हुआ? बोले ध्यान कीजिए गुरु, मैं 13 साल व्यतीत करके 4 दिन मेरे ज्यादा हो चुके हैं और ये भी शाम का वक्त होने जा रहा है। तो उन्होंने ध्यान किया तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अब दुर्योधन कहने लगा अब क्या देख रहे हो, पकड़ लो पंडो को, छोड़ो मत, जान से मार दो। अब खूब भयो संग्राम मचो को राम समर में भाई, भारत रण में धुन बेद्यारे रोए आज धिकाई। आज बंधु तत्स बाण आए है छोड़ने लगा है, जितक अर्जुन अकेलो घूम जाए बीते कायसी फट जाती योधन की। आहा हलचल मच गई और हुआ क्या भैया? दुर्योधन घेरो जाए कहीं समझ आए, अरे करे चतुराई अब सब मालूम पड़ जाए रे पंडन के पाले आई। हुआ भैया? इधर में अर्जुन ने जो बाढ़
आए हैं। अरे पारत बाड़ा चलावे भाई, दुर्योधन पीछे हटी जाई, अब गौधन लियो सभी छुड़ाई, गौधन लियो सभी छुड़ाई, पारत ने जब कला दिखाई, आज बंधु जितना यानी कमल नैन का गौ थी सबको आज अर्जुन अपने बाणों के बल से छुड़वा लेता है। घमा घोर युद्ध होने लगा। इधर आगे क्या हुआ भैया? अब दुर्योधन की रक्षा करने अरे भीष्म द्रोण गए थे आए, एक किलो पारत घेरा जो रण में, सबने मारा ही मारा सुहाई, दुर्योधन है पिता में भीष्म अपनी रहे कलाधिकाय, कृपाचार्य तब भैया जो आए रथ में पीछे दे जो हटाए, भैया क्रोध वंश में है कर, अरे बाने जो दीनी हर चलिए मचाई, अब जितनी सेना कोरा बदल की सबको मूर्छित दियो रे बनाए, हाय देव दत्त त नाम कपारत न अपनो शंख दियो रे बजवाए, अब कौरव दल के अस्त्र जो कीमत बेयर अर्जुन ने लिए उतारी, हाय कृपाचार्य द्रोण जो भीष्म नगिन जो भैया जो करे उतारी, आज मेरे नौजवान इधर रण में जब विजयी हो जाता है अर्जुन तो उत्तरा का ध्यान आ जाता है, क्योंकि चलती समय कहा था कि कौरवों के कपड़े मन छोड़े आना। तो भैया जब सेना मूर्छित पड़ी है तो इधर में अर्जुन द्रोण गुरु के कपड़े उतार लेते हैं, पिता में भीष्म के कपड़े उतार लेते हैं और दुर्योधन के भी कपड़े उतार, क्योंकि वो मूर्छा में तो पड़े ही है, सबको आए है नगिन करके वहां से ले कपड़ा रथ में चल दिए। अब भैया उत्तर मन में सोच रहा जी, तो जैसे वास्तव में सुजानी ने बताया जी, तो वैसे ही नहीं करो जी, तो अर्जुन है आहा उनको खोल दिया है, बोले अब तुम ठीक हो? बोले हाँ अब तो हम ठीक हैं। क्या हुआ भैया? कौरव दल की मूर्छा जिस दम जगी है आई, भाग गए निज देश को सो नंगे मन शरमाए, आप उसे भैया शरमाए रहे और भजे चले जा रहे जी का भो, विराट भूप निज बेटा को जब मान बढ़ाई देता था, कंक धर्म सुख सभी महरी स्तरे बधाई देता था, जिसका सारथी ब्रह्मंडल है उसको कोई हरा नहीं सकता, क्या देव ये राक्षस मान बदलिए उसको ये डरा नहीं सकता,
विराट भूप अपने पुत्र को मान बढ़ाई देता है तो कंक में कंक नाम के जो युधिष्ठिर खड़े थे कहने लगे, महाराज तुम्हारे पुत्र फतेह पा के थूरी आए तो? अरे वो रथ पे अर्जुन बैठा है। अर्जुन कौन? पांडव अर्जुन। बोले हाँ। आहा बंधु, राजा आज हंस करके खड़े हुए और रथ से अर्जुन को नीचे उतार के लाए। महाराज तुम हमारा नौकरी करते रहे, हमें यही ना पता चली कि तुम हो कौन। अर्जुन ने परिचय दिया, जो कंक नाम के हैं ये हमारे बड़े भाई हैं दुष्ट, और जो तुम्हारे यहाँ खाना बना रहे हैं वो भीम भैया है। अच्छा अब क्या कहें बंधु? जो कुछ गुजरा आज वहां पर अब आगे हाल बताते ही साचात ये दर्शन पांडव के ये सभा सती दर्शाते हैं। आज बंधु भरी सभा में आए है। राजा ने सब नगर निवासियों को बुलवाया। आज बैराट नगर के भूप सभी खड़े हुए हैं, नर नारियों की भीड़ इकट्ठी है और पांडवों के भैया उसी भीड़ में दर्शन कर रहे हैं। कौन से में? जिसमें वो छैकुर के पेड़ से सभी अपने वस्त्र पहन के आए थे। अब दूसरे दिन क्या हुआ भैया रामवीर? अब दूजे दिन का हाल सुनो तुम सज्जन चितलाई। अब सज के पंड कुमार सभा में बैठ गई आई। अबे इधर गद्दी पे गादे बदन गई देखे गद्दी पे बैठी रहे जी अदले मन में रहे। आज बैराट भूपू ने गलत समझ बैठा। कैसे? कई दुष्टर राजा की गद्दी पे बैठे और इधर भीम खड़े इधर अर्जुन। राजा के मन में यही खेद हो गया कि कहीं मेरे बैराट के राज को न ले। लेकिन जब उन्होंने सोचा तो मन की भावना है तो उसने समझ गए और खड़े हो गए। बोले राजन आप जो मन में समझ रहे ये मन समझो। आ हा भैया और क्या हुआ? अरे कहे यार जो न जानो हमको हम हैं पांडव कुमार नहीं शायद माल मत मको। अरे विपत के दिना गुजारे ही अब तेरे बरस के बाद भेस असली हम धारे ही। राजा कमल नैन से अर्जुन समझाने लगे। बोले आप किसी बात की चिंता मत करो, हमें किसी का राजवाज नहीं चाहिए। अरे 13 वर्ष के बाद आज हमने अपने कपड़ों को धारण किया है, अपने हथियारों को, चिंता मत करो। इधर मेरे नौजवानों, यह बात सुनकर के कमल नैन सोचने लगे ऐसा मौका मुझे कहां मिलेगा, क्यों ना मैं अपनी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ कर दूं। अर्जुन से जब सलाह ली है
अर्जुन कहने लगे नहीं, क्योंकि मैंने उसे शिक्षा दी है, तुम्हारी पुत्री वो भी मेरी पुत्री के समान है, क्योंकि मेरी शिष्य हो चुकी, लेकिन मेरे अभिमन्यु पुत्र उसके लिए मैं तुम्हारी उत्तरा की शादी अवश्य कर सकता हूं। राजा प्रसन्न हो जाते हैं मेरे नौजवान। इधर इतनी बात सुन करके आहा क्या हुआ भैया रामवीर, अर्जुन ने निज पोत्र को भैया सुता करी स्वीकार अभिमन्यु के ब्याह की, अब शोभा सुनो अगर ने कहा कि भैया अभिमन्यु की शादी हम जरूर कर सकते हैं तुम्हारी उत्तरा के साथ, बोलो स्वीकार है। तो राजा तो मन ही मन पहले ही मुस्करा के बोले क्यों नहीं महाराज, ऐसा मौको मुझे कहां मिलेगा। तो क्या किया भैया, लिखो ब्याह को हालो देश पांचाल खबर भिजवाई, अब द्वारका पुरी को पाती रे है भैया दई पठाई। आज मेरे नौजवानों उन्होंने पांचालपुर में खबर भिजवा दिया, द्वारकोर पुरी भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र भिजवा दिया, अभिमन्यु की शादी की तैयारी हो रही, क्या हुआ खुशी अति छाई। अब वहां की शोभा कात करे है कहूं तो मैं तो बनाई। आज मेरे नौजवानों इधर में बैराट नगर में धूमधाम मचने लगी है उत्तरा की शादी की। इधर जो खत पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी तुरंत ही चले, और क्या हुआ, अरे गए श्री कृष्ण वहां आई, अरे बलराम महाछवि छाई, आए पहुंचे बैराट सिधाई, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ और पांचों पुत्र द्रौपदी के उस समय बैराटपुरी में आ गए भैया, नर नारियों की भीड़ इकट्ठी, और क्या हुआ, जितने न्योतारी भूप के है गए सब आई, जितने न्योतारी भूप के है गए सब आई, अब सत्य की ओर प्रद्युम्न ने भैया आए के शान बढ़ाई। महाराज बनायो अभिमन्यु बरना, पहुंचे सभी बरात लगे वा फूलन के झरना। आज बंदे इस प्रकार से सज सज करके बरात इकट्ठी हो जाती है, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा हो रही है, और क्या हुआ भैया,
अरे सब काम खुशी से भयो के, अरे सब काम खुशी से भयो के, और इंतजाम सवाई भयो के, भैया जितने बराती वहां पर आई, ए जितने बराती वहां पर आई, बरात भूपन सब अपनाई, आज बंधु राजा ने जन्मासा दे दिया बारात के लिए, और किस प्रकार से तैयारी विभाग की, और क्या हुआ भैया आज अभिमन्यु को बरना बना दिया गया है, इधर महलों में उतरा बरनी बनी बैठी है, अरे बैराट पूरी दरबार वो दरबार अभिमन्यु बरना बनी आयो, कछु सोवा कही न जाइए, कछु सोवा कही न जाइए, कामिनी रही गारी गाइए, कामिनी रही गारी गाइए, अरे महलन में मंगल चारी मंगल चारी अभिमन्यु बरना बनी आयो, अरे बैराट पुरी दरबारी दरबारी अभिमन्यु बरना बनी आयो, इन संग बराती हैं गिरधारी, अरे इन संग बराती हैं गिरधारी, और नंगर के बिहसे नर नारी, हाँ नंगर के बिहसे नर नारी, अरे तुम सुन लो सकल सरदारी सरदारी अभिमन्यु बरना बनी आयो, अरे बैराट पुरी दरबारी दरबारी अभिमन्यु बरना बनी आयो, मेरे नौजवानों इस प्रकार से महलों में जब बरना बन के पहुंच जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव सभी साथ में हैं, और क्या हुआ भैया अब करिया दर सत्कारो भाई जो नारा प्रेम से भाई, अरे फिर बारोटी कर दइए रे सोनो जी चितलाई, आज महाराज कमल नैन ने बड़े अच्छी प्रकार से जोनारों ने जिमाई और बारोटी की तैयारी करवा दी भैया,
आहा हुआ क्या, अब ढालन मंडप छाए करे समनाए बेद धुन छाई, बेद धुन छाई सब बेद रीत से दिनो भैया हर ने ब्याह रचाई। नौजवान भगवान श्री कृष्ण ने सब नियम टेम से जैसे क्रियाक्रम यानी विवाह के होते हैं सब कुछ आज भगवान बैठे ही करा रहे। और क्या हुआ भैया? अरे धन दौलत रे ये लोटाई, अरे धन दौलत रे लोटाई और श्री कृष्ण चंद्र बलदाई। अरे है गयो ब्याह को मर को भाई, है गयो ब्याह को मर को भाई, अरे शिवराम जी ने कथा बनाई, ए शिवराम जी ने कथा बनाई, नेम ही चंद जाय रहुए सुनाई। जो प्यारी मुँह पे कैसा कहीं नहीं जाए, अरे मुन्ना लाल जी करार कोटिंगा पंचो मन ही मन मुशिक्या, रानी रसीगा ता तूफानी लाला ढोलक पे बुआ न हो लहराए। भैया बचपन का संगी लाला चिबटा रोए बजाए, ए रामी रसिंगे तो गुर्जर जी बैठे बैठे मजीरा रहे बजाए। अब जैसी आई तो मैं सुनाई मेरी गलती माफ है जाए, रामा निवास तो मटका बजा में पंचो सुनियो ध्यान लगाए। मेरी कथा को रंग दरसा दियो धीरे धीरे, अरे नेमी को मन समझा दियो धीरे धीरे। अरे तेरा मूर्ति ते कैसे जो प्यारी, अरे देश विदेश ने है गई हो जारी, है जे तो कैसे को रंग दरसा रहे हैं धीरे धीरे।